गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज जो है कि यहाँ पे एक हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो सीएसपी संचालक थे उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। आप लोग काफी सारे यहाँ पे जो है कि ग्रुप में देख रहे होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप सीएसपी चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पे जुड़े हुए होंगे और काफी सारा वहाँ पे मैसेज देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है दोस्तों कि उनका जो कि यहाँ पे जो हत्या कर दिया गया है, पैसे लूट लिया गया है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आज जो है कि यहाँ पे जो उनके कुछ साथी थे और जो हम लोग का यूनियन है उनके तरफ से यहाँ पे आज सीएसपी बंद करने का ऐलान किया गया है और हम लोग आज हड़ताल पे रहने वाले हैं। अगर आपको जानकारी ना हो तो हमें जानकारी दे दूं, आज सीएसपी को हड़ताल पे रखा गया है, यानी हम लोग बंद कर सकते हैं, बंद कर रखे हैं। दोस्तों यहाँ पे बात निकल के आती है कि हमें हड़ताल पे क्यों रखा गया है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि हड़ताल पे हम किसी को कहने से यहाँ पे हड़ताल पे रहें। दोस्तों अगर आप भी अगर एक सीएसपी चलाते हैं तो आपको भी एक बहुत बड़ा दुख होता होगा कि जब ऐसा हो जाता होगा, क्योंकि हम लोग जो भी सीएसपी चलाते हैं सारे एक मित्र हैं, भाई भाई हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग है, वो अलग है, वैसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों जो है कि हम लोग सारे कोई एक है। अगर आप जिस इस चीज को अगर समझ जाइएगा कि हम लोग सारे कोई एक हैं, तो ये सारी जो घटनाएं होती है ये सभी घटनाएं होनी बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बात हो जाती है दोस्तों कि अगर आज हमारे राज्य में हुआ है, अगर हमारे स्टेट में हुआ है, अगर हमारे ब्रांच में हुआ है, तो दूसरे ब्रांच वाले क्या सोचते हैं, जाने दो यार उसके ब्रांच में हुआ है। आज मेरे को इतना वो लग रहा है कि मतलब कोई भी जो बोल देता है आज उसके राज्य में हुआ है वो अपना समझे, हमारे तरफ तो ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कहीं भी यह हादसा हो सकता है, चोर का कोई पता नहीं होता है कि वो कहां पे जो है कि डाका डालने वाले हैं, उसके चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि कब वो कहां पे डाका डाल दे। दोस्तों आप एक बिल्ली को देख सकते हैं, बिल्ली जो होती है कि अगर एक बार उसको दूध पीने को मिल जाए तो वो बार बार आगे प्रयास करती है दूध पीने का और हर एक बार वो सफल हो जाती है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग भी जो है कि गया में इसका जो है कि एक कैंडल मार्च रखा गया है, जिसमें हम लोग भारी से भारी मात्रा में आके उनका श्रद्धांजलि दें, उनका जो है कि उनके परिवार को हौसला दें, ताकि हम उनको भी लगे कि नहीं हमारे जो लड़के थे उसके साथ जो है कि इतना लोग यहाँ पे मिले हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे उससे होता कुछ नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो है कि परिवार को एक शांति मिलता है। तो इससे आप लोग के साथ हमारा नम्र निवेदन है दोस्तों कि जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, जो आने मतलब जो अभी आपको ऐसा लगता है कि हम 4 बजे तक वहां पहुंच सकते हैं, वो बिल्कुल पहुंचने का कोशिश करें। आप लोगों के हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है दोस्तों कि जितना भारी से भारी मात्रा में वहां पे आगे पहुंचे, ताकि सभी को लगे कि हमारे जो बैंक यूनियन है या बैंक मित्र है उनके साथ इतना बड़ा एकता है। जब तक एकता नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको मैं पहले ही बोला कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे राज्य में हुआ है या उसी के राज्य में हुआ है, तो वैसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सारे को एक है। और दोस्तों ये जो है कि इस मैटर को इतना आगे तक ले जाना है, इतना आगे तक ले जाना है दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं, जब तक अगर हम जो है कि इसमें एक खड़ा नहीं होंगे कि हाँ मुझे ऐसा करना है, ऐसा मांग करना है, क्योंकि ये हादसा दिन प्रतिदिन जो है कि बढ़ते जा रहा है, कभी ये कमने का नाम नहीं ले रहा है। महीने में 1-2 न्यूज ऐसा देखने को मिल जाता है ग्रुप में कि आज यहाँ पे इसका मर्डर हो गया, उसका मर्डर हो गया। दोस्तों यहाँ पे 1-2 लाख रुपए के लिए यहाँ पे हादसा हो जाता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे 1000, 2000, 5000 बहुत हाईएस्टली तो 10,000 रुपए महीने कमाने के लिए बैठे हैं, और वो भी पैसा अपना लेके अगर हम आते रहते हैं तो उस समय हमें पैसा को छीन लिया जाता है। दोस्तों इस सारे चीज को हम लोग को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ताकि आगे चल के ऐसे घटनाएं ना हो। दोस्तों हम अपने परिवार के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, खाने पीने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों जिंदगी ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको समझ में अगर आ रहा है तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, ये मेरा सजेशन कैसा लगा और आपका सजेशन क्या है। दोस्तों मेरा सजेशन जो था वो तो मैंने आपके सामने रख दिया, लेकिन इसमें आप लोग का क्या सजेशन है ये आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ताकि मैं जो है कि इसको आगे फॉलो कर सकूं कि इस तरह से कुछ लोग का कहना है।
तो दोस्तों ज्यादा मैं यहाँ पे कुछ इसका मतलब आपको मतलब जैसे मैं और कोई भी वीडियो बनाता था उसका कुछ मैटर सेंटेंस मैं वहां पर था, लेकिन मैंने यहाँ पे आज कुछ भी नहीं किया है। आप जैसा देख पा रहे होंगे मैंने रात में मैं सो भी नहीं पाया हूँ, और जैसे मैं उठा उस तरह से मेरे को कॉल आया, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने देखा, तो दोस्तों मैं उसी तरह जो है कि वहां पे वीडियो शूट करने लगा, ताकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको जानकारी नहीं होती है। और आप लोग को मैं एक हौसला देना चाहता हूं कि से आप लोग जब आएंगे और यहाँ पे जो आने के बाद जो होगा दोस्तों वो कुछ बात अलग ही होगा। तो दोस्तों आप लोग से निवेदन है फिर से कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आइए गया में, जैसे कि मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, जो कि अगर कोई ज्यादा दूर से आ रहे हैं उनको नॉलेज नहीं है कि कैसे आना है, तो मैं उनको फोन कॉल पे मैं बताऊंगा, उनको रूट दूंगा, मैप दूंगा, मैप के साथ बताऊंगा कि आपको कैसे गया पहुंचना है। तो दोस्तों आप लोग काफी ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में यहाँ पे आइए और जो है कि उनके परिवार को एक संतुष्टि मिलेगा कि नहीं यहाँ पे जो है कि इतने लोग आए हैं। तो दोस्तों यही कुछ था जो मैं इस मेरे को वीडियो बनाने का ये मकसद था, और अगर आप लोग इस मकसद पे अगर कायम होते हैं तो हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद सफल हो जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ था, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। बाकी जो है कि हम लोग शाम में वहां पे 4 बजे का यहाँ पे 3:30 बजे ग्रुप में चल रहा है कि 3:30 बजे पहुंचना है, तो हम लोग वहां 3:30 बजे पहुंच के देखेंगे, और कैंडल मार्ग भी वहां पे किया गया है तो हम लोग उसमें उपस्थित होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि किस तरह से हुआ, बहुत सारे ऐसे भी लोग जो होंगे जो बहुत दूर दूर से हमारे वीडियो को देखते हैं, जैसे महाराष्ट्र पुणे ये सब जगह पे देखते हैं, तो उन लोगों को तो खैर आना यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जिनको भी यहाँ पे आना संभव है वो बिल्कुल आए, और उनके साथ मैं कैंडल मार्च का वो वीडियो भी शेयर करूंगा, जो कि आप लोगों को कुछ वहाँ पे मतलब सिंपल सा वीडियो होगा, कुछ उसमें होगा नहीं, सिंपल सा आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को भी एक हौसला बने। तो यही कुछ था दोस्तों जो मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था। तो फिर मिलते हैं कल के दिन कैंडल मार्च के साथ। तो फिर दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड किया जाए।